So hi students, in the last lecture we have studied about primary cells, a type of cells we have studied. There are three kinds of cells: primary cells, which can be recharged once; secondary cell, which can be recharged again and again, can be reused; and then there are fuel cells, which work this fuel. There is some fuel, suppose there is some gas which is combustible, so they work on this principle of combustion. There is combustion, energy is released, and that combustion energy is converted into some other useful forms of energy like electrical energy. So in the last lecture I have discussed this fuel cell with you. Dry cell with you. So there are two kind of primary cells we will study. First one, dry cell, okay, in which this electrode was of graphite. This container was the anode. In between there is electrode M1O2+C. Okay, then NH4Cl was also there. NH4Cl plus H2O. So this we have discussed. You can see the earlier video. Today I will go through the new cell, the second type of primary cell, that is mercury cell. मर्करी सेल देखो, छोटा सा सेल नहीं होता जो आपने देखा कि तुम्हारे रिस्ट वॉच में डलता है, छोटा सा सेल, ठीक है, या छोटी सी टॉर्च होती है उसमें डलता है, पेंसिल सेल जिसको तुम बोलते हो, गोल गोल सेल नहीं होता, दैट इज मर्करी सेल। वो भी एक बार ही काम आता है, बाद में रिचार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे तुम्हारी वॉच में डलता छोटा सा सेल होता है, दैट इज कॉल्ड एज मर्करी सेल। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, सेम उस सेल की तरह ही है। इसमें क्या होगा, ये जो कंटेनर होगा दैट इज जिंक से बना है और एक्ट करेगा एज एनोड, भी इस पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में इलेक्ट्रोड होगी, किससे बनी हुई, कार्बन की, ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोड बनी हुई, ये काम करेगा दिस कैथोड, ये काम करेगा एज अ कैथोड, ठीक है। एनोड आ गया, कैथोड आ गया, ठीक है। बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो होगा HGO+KOH, ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और बीच में ये इसका है तो एक कवरिंग भी होगी ताकि जिंक कंटेनर इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए, कवरिंग भी, पोरस कवरिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगी, बाकी सबको नहीं जाने देगी। अब तुम्हें पता सेल में क्या होता है, एक जगह ऑक्सीडेशन होती है, एक जगह रिडक्शन होती है। एनोड पे देख लो, एड एनोड, ठीक है, जिंक की होगी ऑक्सीडेशन, ओके, बट ऑक्सीडेशन अकेले नहीं होगी, इसके साथ हमें 2OH नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ZnO बन गया, ZnO बन गया ना, तो यहां पे देखो हमारे पास क्या था, दो ऑक्सीजन था और दो हाइड्रोजन थे, यहां पे दो ऑक्सीजन थे, दो हाइड्रोजन थे और दो ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, दो ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें से एक ऑक्सीजन तो इसने उठा के ले लिया, ऑक्सीजन कितना बच गया, एक बच गया, एक ऑक्सीजन जिंक निकाल के ले गया इससे, तो ऑक्सीजन एक बच गया। इसके बाद देखो दो ऑक्सीजन थे, ठीक है, दो हाइड्रोजन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा, तो एक ऑक्सीजन यहां से जिंक उठा के ले गया, अब इसके पास ये बच गया, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, H2O+ H2O+2 ठीक है, तो ये होगी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। अब एड कैथोड, कैथोड पे देखो, कैथोड में देखो क्या होगा, एड कैथोड, एड कैथोड, ठीक है। अब तुम कैथोड पे है तो कार्बन, ये कार्बन की इलेक्ट्रोड है, बट रिडक्शन होती है इसकी इलेक्ट्रोलाइट पे, रिडक्शन किस पे होती है, इलेक्ट्रोलाइट पे, तो इलेक्ट्रोलाइट के बच गया HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसमें जो बचा हुआ है ये तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, बाकी जो बचा है वो ऐड करा दो, प्लस H2O+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां से एक ऑक्सीजन, इसकी रिडक्शन हो रही है ना, तो ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HG बन जाएगा, बाकी यहां पे क्या बच गया, देखो इसको स्टडी करो, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इसने रिलीज किया, दो ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया, ये बन गया 2OH- OH-
Zn plus 2OH negative plus HGO plus H2O plus 2 electron change into किसमें change हो रहे हैं? They are changing into ZnO plus right side को right side लिख दो, left side को left side लिख दो, H2O plus नीचे करके लिख दो ऐसे, ठीक है? ऐसे ज्यादा आसानी रहेगी। इस तरफ ऑक्सीडेशन आ गई, इस तरफ रिडक्शन को नीचे करके लिख दो। ओवरऑल रिएक्शन इसमें क्या बना था? Zn plus 2OH negative will form ZnO plus H2O plus 2 electron, और उसमें क्या बना था? HGO plus H2O plus 2 electron will form Hg plus 2OH negative, और कितना करता है उसको काटो, इससे ही कर गया इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वाटर से वाटर कर गया, ठीक है? तो अब यही बचा, क्या बचा? ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या बच गई, Zn plus HGO यही बचा साइड, विल फॉर्म दिस ZnO plus Hg, सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। इसकी होगी जी ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसकी होगी रिडक्शन। तो दिस इज मर्करी सेल, वो छोटा सेल होता ना कभी, इसको बोलते हैं मर्करी सेल। तो दिस इज द मर्करी सेल।